अपने सभी गुरुओं को नमन करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सजिटेरियस साइन पर होगा। अगर आपका धनु लग्न है या धनु राशि है तो उसका राशिफल नवंबर 2022 आपको किस प्रकार से मिलने वाला है इसकी बात करेंगे। यहाँ पर यदि देखें तो ये एक कुंडली बनी हुई है 1 नवंबर की, और इस कुंडली में जो प्लेनेटरी पोजिशन दर्शाई गई है उसके अनुसार आपको परिणाम मिलने वाला है। जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा वो पर्सनैलिटी, लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, एजुकेशन, वेल्थ, हेल्थ, बिग डिसीजन, बिग लॉस, बिग प्रॉफिट और एनिमीज की बात करेंगे। बात करेंगे जितने भी ट्रांजिट होने वाले हैं उनका जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है उससे आपको किस प्रकार से प्रभावित होना पड़ेगा। तो मित्रों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करते हैं और सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर यदि देखें तो एक नज़र डालें तो आपके जो प्लेनेटरी पोजीशन है वो प्लूटो, मून और सैटर्न की पोजीशन आपके द्वितीय भाव में है। तीसरे घर में आपके नेपच्यून की पोजीशन है, चौथे घर में आपके जुपिटर की पोजीशन है और नेपच्यून और जुपिटर अभी भी रेट्रो की पोजीशन में ही है। राहु की पोजीशन और यूरेनस की पोजीशन आपके पंचम भाव में है, और यदि देखें तो मार्स की पोजीशन आपके सप्तम भाव में है, और जबकि एकादश भाव में आपके मर्करी, वीनस, सन और केतु की पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है। बहुत स्ट्रांग होकर के ये चार प्लेनेट यहाँ पर आपको परिणाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर यदि प्रमुख ट्रांजिट की बात की जाए कि कौन कौन से ग्रहों का इस नवंबर के महीने में राशि परिवर्तन होगा, तो नवंबर 2022 में आपको 12 तारीख को जो एक राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा वो यहां पर आपका वीनस का ट्रांजिट होगा, और 14 तारीख को मरकरी का ट्रांजिट हो जाएगा, 16 तारीख को मंगल का ट्रांजिट आपके छठे भाव में हो जाएगा, और यदि देखें तो 17 तारीख को सूर्य का ट्रांजिट आपके द्वादश भाव में होगा, और इसी के साथ साथ जो सूर्य का घर है नवम भाव आपका, वहां पर आपके मून का ट्रांजिट होगा। तो यहां पर ये प्रमुख ट्रांजिट्स आपके यहाँ पर इस महीने होंगे, और इनके अनुसार आपके जो स्वभाव है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपकी सभी स्थितियाँ और परिस्थितियों पर ये प्रभावित करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि चार प्लेनेट का एक अच्छा जो राशि परिवर्तन है वो यहाँ पर होने वाला है। और यदि देखें तो इस महीने आपके लगन पर कोई भी ग्रह आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो सभी का जो दृष्टि संबंध है उसी के अनुसार आपका जो पर्सनालिटी है वो प्रभावित होते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर पर्सनालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी हद तक देखें तो विदेश जाने की जिसकी इच्छा है वो यहाँ पर तीव्र होने वाली है, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप पूरा प्रयास यहाँ पर ज़रूर करते हुए नज़र आएंगे। जो लोग हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से जुड़े हुए काम करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा होने वाला है। वो उनका भी पर्सनालिटी एक नए रूप में आपको देखने को मिल सकती है, दुनिया वालों के सामने एक नए रूप में वो सामने जरूर आ सकते हैं। यदि देखें तो अपने खर्च को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करते हुए भी आप अपने खर्च को यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं, जिससे आपका जो व्यक्तित्व है वो भी समाज के सामने एक नए तरीके से पेश हो सकता है। तो लोगों पर भी खर्च कर सकते हैं, अपने रिलेशन पर भी खर्च कर सकते हैं और अपने ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यदि समझने का प्रयत्न करें तो नौ नंबर आपके लगन में लिखा है, और लगन के जो स्वामी हैं जुपिटर यानी सजिटेरियस साइन आपका है, और उसके जो लगन लॉर्ड होते हैं वो जुपिटर होते हैं, रेट्रो की पोजीशन में है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जो आपका खर्च होगा वो आपके अपने फैमिली एनवायरनमेंट और अपने घर परिवार पर यहाँ पर होने वाला है। सुख सुविधा और भोग विलास की चीज़ों पर आप खर्च करने वाले हैं, कोई नई कार खरीद सकते हैं और उस पर आप खर्च कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस पर भी खर्च कर सकते हैं। तो इनसे भी आपकी एक नई पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी। और यहाँ पर यदि देखें तो वेल्थ पर भी आप यदि बात करें तो मैंने पहले बताया कि पैसों को बचाने की आपकी बहुत ज़्यादा मंशा होगी, कि बहुत ज़्यादा आप विचार करेंगे कि हम हर प्रकार से अपने वेल्थ को एक्युमुलेट करें और बचाएं, लेकिन अब आपके खर्चे को
यदि आप अपने प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा निवेश होगा। आने वाले समय में वो पैसा आपका हर प्रकार से बढ़ करके आपको मिलेगा। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर अगर आप कोई अच्छी लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं, कोई ऐसे लग्जरीज उसमें खर्च करते हैं जहाँ पर कोई रिटर्न आने वाले समय में नहीं मिलता है, तो ये खर्च आपका बेशक इस समय में आपकी जो वैल्यूज हैं उसको तो जरूर बढ़ाएगा, लेकिन पैसों में कहीं ना कहीं आपको खर्चे में ही ये दिखाई देगा। तो आप अपने ऊपर खर्च भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि देखें तो आपकी लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर हर प्रकार से आप नए रिलेशन बनाने चाहेंगे और नए रिलेशन में आप प्रवेश करते हुए जाएंगे। अगर कोई रिलेशन आपके पुराने खराब हैं तो यहाँ पर आप उसको बनाने का भी प्रयास करेंगे, और यदि आपकी अपनी जन्म कुंडली सहयोग नहीं करेगी तो आप निश्चित तौर पर नए रिलेशन में ही जाएंगे। आपके राहु और यूरेनस, और यहाँ पर यदि देखें तो वीनस और मरकरी और सूर्य, ये सभी ग्रह मिल करके आपको प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। जब 15 तारीख का समय बीत जाएगा, आधा जो नवंबर है वो बीत जाएगा, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो रिश्ते हैं, आपके रिलेशनशिप हैं, वहाँ पर आपको परिवर्तन नए जुड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और नए परिवर्तन आपको होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप नए रिलेशनशिप को जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन पुराने दिलों को मत तोड़िए। नए के साथ जुड़ना अलग बात है, लेकिन पुराने का साथ छोड़ना ये अलग बात हो जाती है। तो मेरी सलाह यही होगी कि आप अपने आप को थोड़ा सा समझें और वाकई में क्या नए रिलेशनशिप बनाने की इस वक्त ज़रूरत है, इस पर विचार जरूर करें। अपनी लव लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। मैरिटल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर आपके मंगल का जब ट्रांजिट आपके छठे भाव में हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो फोकस है, वो आपकी एनर्जी का फ्लो है, वो पूरी तरीके से आप प्रोफेशनल लाइफ पर ही लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर उसकी वजह से थोड़ा सा मैरिटल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन वीनस और मरकरी और सन की वजह से आप कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपकी मैरिटल लाइफ किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी। तो इसका ध्यान आप जरूर रखिएगा। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन के लिए विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जा सकते हैं। कोई सरकारी जो डिपार्टमेंट है उसकी पढ़ाई अगर आप चुनना चाहते हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर चुन सकते हैं। तो इसका आपको लाभ जरूर लेना चाहिए। हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सावधानी जरूर रखनी होगी। यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे तो यहाँ पर लीवर डिस्टर्बेंस का भी यहाँ पर संकेत मिलता है। आपका अपना लीवर, आपका अपना पैनक्रियास, आपके अपने स्टमक से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं, ये यहाँ पर आपकी डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा भोग विलास में खर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा भोग विलास में आप डूबे रहेंगे, तो यहाँ पर आपको इससे जो जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर जरूर उठती हैं। अब यहाँ पर जो बेसिक समस्या है वो आपके प्लूटो और सैटर्न, वीनस मरकरी सन और राहु यूरेनस, ये सभी मिलकर के जुपिटर, ये सभी मिलकर के जो इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप उल्टा सीधा खाएंगे और उल्टी सीधे तरीके से जीवन जिएंगे, दिन का रात और रात का दिन करेंगे, तो यहाँ पर पेट की समस्या आपको दिखाई देती है, उससे आपको सावधानी यहाँ पर रखनी होगी। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ में आपका यहाँ पर पेट पूरी तरीके से डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देता है। लीवर की समस्या आपको हो सकती है, लीवर इनलार्जमेंट की भी प्रॉब्लम हो सकती है और लीवर में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ज़रूर इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हों तो अपने निवेश से जुड़ा हुआ फैसला जरूर ले सकते हैं, और यदि आप विदेश में जाना चाहते हैं तो मैंने पहले बताया कि आप पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं, और अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो भी उसके लिए जुड़ सकते हैं। कोई बड़ा फायदा और बड़े नुकसान की बात करें तो यहाँ पर आपका नुकसान जरूर दिखाई देता है, और यदि आप नुकसान को होने से बचा सकते हैं तो उसका उपाय भी मैंने बताया कि उस उपाय को करके आप नुकसान को फायदे में बदल सकते हैं। एनिमीज की बात कर लें तो यहाँ पर आपका जब मंगल की स्थिति आपके छठे भाव में आएगी तो यहाँ पर आपका जो रोग ऋण शत्रु का भाव है, ये यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर सकता है। आपके शत्रुओं से आपका जो एग्रेशन है वो अगर आप दिखाएंगे तो यहाँ पर समस्या जरूर हो सकती है। सूर्य की सप्तम दृष्टि भी आपके छठे भाव पे पड़ेगी और मंगल की सप्तम दृष्टि आपके बारहवें भाव में पड़ेगी, तो ये स्थिति ऐसी बनेगी कि अगर आपने गलती की तो यहाँ पर आपकी जो स्थिति है वो आपको सीधे कोर्ट तक ले जा सकती है। तो ऐसी नौबत ना आए, आप धैर्य से काम करें, थोड़ा सोचें विचारें और फिर करें। जल्दबाज प्रवृत्ति के वैसे व्यक्ति होते हैं आप, लेकिन अगर देखें तो आपके अंदर एक आशावादी उम्मीद भी नजर आती है। मानव
जाति को समझने वाले एक समझदार व्यक्ति के रूप में आप जाने जाते हैं। अपने लक्ष्य को भेदना और अपने जो सीधे रास्ते हैं उस पर चलना आपके लिए प्रायोरिटी होती है, तो इसलिए आप इधर उधर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो यहाँ पर आपको नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राशि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।